हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। जैसे कि अभी कुछ फास्ट आने वाले हैं और कुछ चले गए हैं, तो ऐसे में हम लोगों को ऐसी सब्जी चाहिए होती है जो कि बिना प्याज बिना लहसुन के हो। तो आज बनाएंगे आलू और गोभी की सब्जी बिना प्याज बिना लहसुन के, और बहुत ही टेस्टी, कम मसालों के साथ बहुत टेस्टी और बिना फ्राई करे ये गोभी आलू की सब्जी मैंने बना के तैयार करी है। देखिए कितनी बढ़िया और टेम्पटिंग सी लग रही है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस आलू गोभी की रेसिपी को, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने आलू और गोभी को कट करके धो लिया है। ये देखिए इस तरीके से मैंने बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं, क्योंकि हम इसको फ्राई नहीं कर रहे हैं और जब हम इसको बिना फ्राई करे बनाएंगे तो गोभी घुल ना जाए, इसीलिए मैंने इनको बड़े बड़े पीसेस में कट किया है। और एक आलू के मैंने 6 पीस कट करे हैं, साथ ही लिया है 3 टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्ची कट कर ली है, कोई मैंने इसको ग्राइंड नहीं किया है। और यहाँ हम आ गए हैं गैस की तरफ, तो कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और तेल के साथ साथ मैंने डाल दिया है जीरा। जैसे ही हमारा जीरा क्रैकल होता है, इसके अंदर हम डाल देंगे अपना टमाटर, और टमाटर के साथ साथ इसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्ची भी, और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर टमाटर जैसे ही डालेंगे, इसके साथ ही हरी मिर्ची भी डाल देंगे, और इसके साथ साथ डलेगा नमक, क्योंकि टमाटर डालने के बाद नमक डाल देते हैं तो टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए नमक डाल दिया है मैंने, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिए। और इसके साथ साथ मैं बाकी स्पाइसेस जो हैं वो भी अभी ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे डाल दी है मैंने लाल मिर्च पाउडर, और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर डाल दूंगी हल्दी पाउडर, और धनिया पाउडर, और बहुत ही थोड़ा सा इसके अंदर डालूंगी गरम मसाला। तो यहाँ पे अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे, और टमाटर को बिल्कुल हम मैशी होने देंगे। तो यहाँ पर देखिए टमाटर हमारा जो है पहले से मैश हो चुका है, और अच्छी ग्रेवी भी इसके अंदर आ गई है। तो अब जो हमने आलू और गोभी को कट करके रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आलू और गोभी को मैंने अच्छे से पानी निकाल दिया है इसका, और इसमें ऐड कर दिया है, और बस अच्छे से इसको मिक्स करेंगे इस मसाले के साथ 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे मसाले हैं आलू और गोभी पे अच्छे से लिपट जाएं। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मैं इस तरीके से इसको मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू और गोभी को अच्छे से मसाले में कोट कर दिया है। अब हम इसको ढककर 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे, और इतने में ही हमारी गोभी हो जाएगी। बीच बीच में आप चलाते रहिए ताकि गोभी हमारी नीचे ना लगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद देखिए इसमें थोड़ा सा पानी है, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हम इसके अंदर जब धनिया डालेंगे, और आलू को चेक कर रही हूँ मैं, देखिए आलू कुक हो चुका है। तो अब 1 मिनट के लिए और इसको कुक कर लेंगे। मेरे को हल्की सी ग्रेवी वाली पसंद आई है, अगर आपको ग्रेवी वाली ना चाहिए हो तो आप इसे पानी को सुखा सकते हैं। तो बस रेडी है हमारी आलू गोभी की सब्जी। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए, और मेरी वीडियोज़ को इंजॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।